यहाँ पे 90 रुपए की बोतल तैयार हो चुकी है। इसको ओके इस बंद कर दे, बंद कर दे, इसको बंद कर दे, बंद कर दे, वरना फैल जाएगा। चलो दूसरी बोतल भरना चालू करो। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर फन ब्लॉग। और जैसे कि आपने हमारी दो वीडियोस देखी थी जो हमने पल्सर पर बनाई थी, तो आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने कमेंट करा था कि जो पल्सर पे जो वीडियो बनाई थी उसका आप लोग रियल टाइम रियल लाइफ माइलेज टेस्ट करके दिखाओ। तो आज बहुत लगभग 2 महीने हुए उस वीडियो को बने हुए। हाँ, उस वीडियो को बने हुए सब्सक्राइबर। तो इसलिए आज हमने सोचा कि क्यों ना उस वीडियो को पूरा करा जाए और आज माइलेज टेस्ट करा जाए। बॉटल वगैरह भी लेकर आए हैं, तो आप समझ गए होंगे हम लोग क्या करने वाले हैं। पूरी बाइक को खाली करेंगे और खाली करने के बाद इसमें लगभग 100 ml तेल डालेंगे। 100 ml तेल, 250 कितनी की? ये 250 है तो इसकी आधी डाल देंगे। वरना मेरे को वेइंग स्केल भी उसमें बस कर देंगे। 75 ग्राम, 100 ml इक्वल टू 75 ग्राम होता है पेट्रोल का ना। हाँ सही है, ठीक है। बाइक दिखा दूँ तो वही वाली बाइक है, नियॉन कलर वाली। तो और इसको लगभग बाइक को भाई कितना टाइम हो गया? 6.5 महीने, 7वां महीने चालू हो रहा है। 7 महीने हो चुके हैं और दो सर्विस हो गई हैं। हाँ, दो सर्विस। तो ये भी पता लग जाएगा कि दो सर्विस के बाद कितना माइलेज निकालती है। निकालो भैया, क्या कर रहे हो? और ये हमारे बंद कर दिया, नॉब बंद कर दिए, यहाँ से नॉब बंद कर दिए और वो कार्बोरेटर में फ्यूल यार आराम से। इसने बोतल ही नहीं खोली अभी तक। हाँ, अरे जल्दी जल्दी जल्दी। और ये हमारे बहुत ही फेमस रामपुर गार्डन के मैकेनिक पेट्रोल चोर। पेट्रोल चोर ले आ, हो गया। ऐसी पेट्रोल चोरता है। गाइस गाइस ध्यान से देख लीजिए, गाइस ध्यान से देख लीजिए, ऐसे लोग देखे तो इनसे दूर रहे। जो इंजीनियर को जॉब नहीं मिल, जो इंजीनियर को जॉब नहीं मिल पाती वो फिर यही काम कर रहा है। फ्यू फ्यू इयर्स लेटर। ये आपका दिल्ली में पार्ट टाइम जॉब है। 2018 में इन्होंने बीटेक कंप्लीट करा था, 2021 में ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। भाई लगभग 500 ml आ गई, आधी बोतल भर गई। ये रही 400 ml तो है। बिस्लरी का इस्तेमाल करते हुए लौंडे, यहाँ पर जितने भी लोग हैं सब इंजीनियर हैं। और देख लें इंजीनियरों को क्या हाल है, क्या कर रहे हैं वो लोग। फ्यू ईयर्स लेटर। अरे भाई पूरी बोतल भर जाएगी क्या? 2 लीटर वाली लेकर आऊँ क्या? कुआं ना खोद लूँ पेट्रोल का? अभी भी पेट्रोल निकला। अरे वो वाला करें एक्सपेरिमेंट, एक घुट पी का। उस टाइप की वीडियो नहीं है ना, हमारा चैनल है ये। घर पे ना करें, पर हम घर पे ही हैं। यहाँ पे 90 रुपए की बोतल तैयार हो चुकी है। इसको बस बंद कर दे, बंद कर दे, इसको बंद कर दे, बंद कर दे, वरना फैल जाएगा। चलो दूसरी बोतल भरना चालू करो। ओ बेला बेटे, मौज कर दी मौज बेटे। तुम तो हैवी चोर हो भाई। भाई इससे इससे गाइस एक और चीज भी पता लग जाएगी कि जो रिजर्व में पेट्रोल कितना आता है वो भी हमें पता लग जाएगा। इसका जो लास्ट पॉइंट था वो ब्लिंक कर रहा था, और ब्लिंक करने का आपका ऑलमोस्ट रिजर्व में चले जाती है। तो रिजर्व में तो आप मान के चलो इतना तेल, ये एक रिजर्व, और ये मुझे लग रहा है आधा 1 लीटर होने वाला है। ये भी भर जाएगी, क्योंकि 2 लीटर की बॉटल है शायद। 1200 ml। सो आप लोग रिजर्व में आराम से 60-70 किलोमीटर चला सकते हैं। तो गाइस कमेंट करके बताइए कि इतने इतने पेट्रोल का माइलेज निकालें क्या हम? इसके लिए तो लंबी राइड पे जाना पड़ेगा। बहुत ही ज्यादा लंबी राइड हो जाएगी भाई। तो भाई आ रहा है, स्पीड से आ रहा है। तो बाइक ना मुझ पर गिरा दिए, दर्द दर्द। अभी भागेगी भागेगी, गियर उतार गियर गियर। अच्छा उतार रखा है, मैं उड़ जाता है। यार हर्षित इसमें तो अभी भी पेट्रोल खत्म नहीं हुआ है। ना ना वो होगा इधर तो दो। सो गाइस हमने जो बाहर बाइक है उसमें से ऑलमोस्ट सब पेट्रोल निकाल लिया है और अब बाइक को कर दिया स्टार्ट हमने। और ये 3 बॉटल आ चुकी हैं बाहर, ये 1.2 लीटर की है, ये 1 लीटर की है। तो लगभग 2.2 लीटर तेल इसमें से आया है, रिजर्व में थी जब बाइक। इस टेस्ट को फेयर रखने के लिए भी मैंने वेद को भेजा है, इस बाइक को पूरा खाली करके लाया, धक्का मार के लाया गाड़ी को, क्योंकि उसके बाद ही हमें पता लग पाएगा कि कितना एवरेज देती है। क्योंकि अभी क्या है कि हल्का हल्का कार्बोरेटर में भी पेट्रोल होगा और छोटे मोटे पाइप्स वगैरह में भी होगा, तो इस वजह से
हो सकता है कि माइलेज टेस्ट में गड़बड़ी हो सकती है। A few moments later. अब आ गया। सो गाइस फाइनली धक्का मार के बाइक लानी पड़ी और इसी के साथ स्टार्ट नहीं हो रही ना, हो रही है। तो गाइस आप देख सकते हैं कि जो नॉब है वो ओपन है और एक बार वेज स्टार्ट करके दिखा देगा बाइक आपको। गियर पता नहीं है। तो बाइक स्टार्ट अब नहीं हो रही है, तो बिल्कुल अब पेट्रोल जो है इस बाइक में बिल्कुल जीरो है, एकदम जीरो। सो गाइस हम लोग अब फाइनली तैयार है रियल लाइफ रियल टाइम माइलेज टेस्ट करने के लिए। बिल्कुल रियल टेस्ट है, ऐसा टेस्ट तो कंपनी वाले भी नहीं करते होंगे। बिल्कुल एकदम खत्म करके चूज दिया है बिल्कुल पेट्रोल। भाई साहब बड़ा मेहनत लगी है। और आप लोगों को लग रहा होगा वीडियो बनानी, आप लोगों को लग रहा होगा वीडियो बनाना पेट्रोल निकालने में, आप लोगों को, अरे मुझे तो बोलने दो। आप लोगों को लग रहा होगा वीडियो बनानी बहुत आसान है, पर पिछले आधे पौन घंटे से घर की बोतलें छान मारी है बिल्कुल, और पेट्रोल पेट्रोल निकले जा रहा है, इतना रिजर्व पेट्रोल होगा पता ही नहीं था हमें। तो अब फाइनली जो मेन इवेंट है इस वीडियो का वो करने जाएंगे। इसमें हम डालेंगे लगभग 100 ml तेल, और अगर उसको आप कन्वर्ट करेंगे ग्राम्स में तो लगभग 75 ग्राम तेल होता है 100 ml। तो करते हैं, अब निकाली जाए हमारी वेइंग स्केल और निकाली जाए आओ चला जाए अंदर। सो गाइज यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं हमारी वेइंग स्केल, और सबसे पहले इस बॉटल को रखेंगे। तो इस बॉटल का 10 ग्राम वेट है, इसको हटा के कर दिया जीरो। तो हमें इसमें डालना 75 ग्राम तेल, 100 ml तो जरा सी बॉटल में आ गया था। A few moments later. So guys, यहाँ पे हमने 100 ml तेल डाल लिया है। भाई गियर में तो नहीं पहले चेक करी? नहीं है गियर में, लो। और यहाँ पर 0.0 पे हो चुकी है। तो अब ले जाएंगे इसको हम एक राइड पर, और साथ में बॉटल भी रख लो, साथ छोटा वाला बैग ले लो, फिर रास्ते में धक्का मार रहे हैं। स्टार्ट करें, देखें होती नहीं होती है। हाँ हाँ, पहले वो खोल लिया ना, ये खोल लिया हमने। हाँ बैठो। सो गाइस आप लोग एकदम से सोच रहे होंगे कि वीडियो एकदम से बंद हो गई। इसका मेन रीज़न ये है कि जब भी मैं वीडियो यहाँ तक मैंने एडिट कर ली, उसके बाद मैंने देखा कि अभी भी लगभग 10 मिनट की वीडियो बची है, जो ड्राइव वाला पूरा पार्ट है वो 10 मिनट का भी बचा है। तो मैंने ये सोचा कि यार अगर वो भी इंक्लूड कर दूंगा इस वीडियो में तो वीडियो लगभग 17-18 मिनट की बन जाएगी, और 17-18 मिनट की वीडियो लोग जनरली देखना पसंद नहीं करते हैं, चाहते हैं लोग छोटी छोटी वीडियोज़ देखना। तो इसलिए मैंने बिल्कुल एकदम से एंड मोमेंट पर डिसाइड करा कि इस वीडियो को दो पार्ट में रखते हैं। तो पार्ट वन है वो 12 अप्रैल 2021 को आज रिलीज कर रहा हूँ मैं, और जो पार्ट टू है वो जैसी अब एडिट हो जाएगी वैसी मैं उसको अपलोड कर दूंगा। तो मेक श्योर करें कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें, और आपके कोई भी क्वेरी क्वेश्चंस हो इस बाइक से रिलेटेड तो कमेंट डाउन जरूर करें। साथ ही साथ कमेंट डाउन ये भी करें कि भाई पार्ट टू जल्दी से जल्दी निकालो, तो मैं उतनी जल्दी पार्ट टू भी निकालूंगा, क्योंकि मेरे पास और भी टेक वीडियोज़ एडिट करने को रहती हैं, साथ साथ ऑफिस का काम भी रहता है, तो मुझे हिसाब से वर्क मैनेज करना पड़ता है। यही मेन रीज़न है कि मैं इस वीडियो केवल यहीं तक रख रहा हूँ, और ड्राइविंग एक्सपीरियंस अब लास्ट में कितना माइलेज निकाला वो मैं पार्ट टू के लिए रख रहा हूँ, ताकि आप लोगों को भी मज़ा आए देखने में और आप भी बोर ना हो। तो इसी नोट पे इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, और आपको किसी वजह से भी वीडियो पसंद है तो वीडियो ज़रूर से लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत जाइएगा। इसी नोट पर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, कीप रॉकिंग एंड बाय बाय।